नमस्कार, आज मैं बता रही हूँ आपको आलू का हलवा बनाना। हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर आप मेरे स्टाइल से बनाइए आलू का हलवा। चलिए, इसके लिए देखते हैं। 300 ग्राम उबले हुए आलू जो मैंने कस लिए हैं, घी 4 चम्मच लेंगे हम, चीनी, दूध, पानी की जगह हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे, गोला, इलायची, बादाम और खरबूजे की मींग और किशमिश। देखिए, अब मैं थोड़ा सा घी डालकर घी को गर्म होने दीजिए और फ्लेम हाई रखिए। घी गर्म हो जाए तो फ्लेम कम कर दीजिए। देखिए, घी गर्म हो गया है, फ्लेम कम कर दी। अब डालते हैं इसमें हम इलायची और खरबूजे की मींग और गोला जो कसा हुआ है, और सारी चीज़ों को ढककर हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। और बीज भूनते टाइम ढक लीजिएगा, क्योंकि बीज ऊपर आते हैं और चटक के बाहर निकल के गिर पड़ते हैं। अब देखिए, हम इसमें आलू डाल के इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि आलू का स्मेल इसमें कच्चेपन की नहीं आएगी। इसे अच्छी तरह हमें खूब गोल्डन होने तक आलू को भूनना है। जितना आप भूनेंगे उतना ही टेस्टी आपका हलवा बनेगा। देखिए, अब ये अलग घी छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये आलू का हलवा हमारा बन रहा है। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, जैसा आप पसंद करते हो। मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो 1 कटोरी, अगर आपका हलवा है तो उसका चौथाई हिस्सा आप इसमें चीनी डालिए। अब इसमें हम 1 कटोरी दूध डालकर अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छी तरह से आप इसे मिलाते रहिए और चलाते रहिए, कढ़ाई में हलवा आपका लगे नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। यह हलवा व्रत में खाते हैं हम। और जब आप आलू उबालें तो जितना आप सहन कर सके उतना आलू लेके कस लीजिए, जिससे कि हलवा बनाते टाइम ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। फ्लेम को कम ही रखिए और अब इसे आप अच्छी तरह चलाते रहिए। देखिए, जो दूध डाला था वो सब सूख चुका है इसमें। अब इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा घी भी डालकर इसे अच्छी तरह भूनिए। देखिए, अब ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसका मतलब हलवा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। आप इसे ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं और जब आप सर्व करें तो ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसे परोसें और फिर बताएं कि आपको कैसा लगा ये आलू का हलवा। और आप खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली मेरी सारी रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।